जैसा कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है जो पूछा था, तो अनुच्छेद 19 आपका स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें छह अधिकारों का संरक्षण है। किसके वाणी एवं अभिव्यक्ति की, विधानसभा की, लिखूंगा ना मैं बताते चलूंगा, संगठन की, आंदोलन की, निवास स्थान की, पेशा की, क्या क्या अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पूछता है इसी में, स्वतंत्रता का अधिकार कितने कितने आर्टिकल में है? स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग सभी, 19 से 22 में है। अगर आर्टिकल 20 आपसे पूछे, अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। अगर आपसे आर्टिकल 21 पूछ दे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, आर्टिकल 21 का ए पूछते आपसे, तो शिक्षा का अधिकार क्या, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 22 पूछते तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा दी जाती है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, वाल्स लॉ किससे संबंधित है? तो वाल्स लॉ आपका किससे संबंधित है? तो वाल्स का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पॉइंट आप लोग क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हैंड राइटिंग में, पानीपत का तीसरा युद्ध, चौथा युद्ध, खरतोली का युद्ध, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, कब बच्चों? 1761 में मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना यानी हम्मद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? मराठा साम्राज्य के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि अब्दाली के हाथों से सतलज नदी के उत्तर में पंजाब पर मराठों का अधिपत समाप्त हो गया था। पानीपत का पहला युद्ध आपसे जब पूछे, अरे आपसे पानीपत का पहला युद्ध पूछे तो 1526 में हुआ था, कब हुआ था? 1526 में हुआ था। सेकंड जब आपसे पूछे तो 1556 में आप हुआ था। यही थर्ड आपसे जो एग्जाम में पूछा गया था आज, क्या 1576 में, सॉरी 1761 में, थर्ड कब हुआ? 1761 में। फर्स्ट आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी इब्राहिम लोदी को मारकर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, मुगल राजा अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि हेमू की हार हो गई थी। थर्ड हमने बता दिया किसके किसके बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीत दर्ज की थी 1761 में। एक आपका हल्दी घाटी का युद्ध भी पूछा जाता तो भी लिख लीजिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध आपका 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से किससे है, या फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य से आपका संबंधित है 51 का ए। यही अगर आर्टिकल 51 पूछता था, इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी से हो जाता। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल ए में मौलिक कर्तव्य, संविधान के भाग 4 के ए में, कितना में है, 4 का ए में निहित अनुच्छेद 51 का ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन, कितना, 42वें अमेंडमेंट में 1976 में अपनाया गया था, नागरिकों के लिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की भी गणना की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? रणबीर कपूर को मिला है,
बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है, और आपका फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर को मिला है। फिल्म किसे मिला है? ट्रिपल आर को मिला है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछे 2021 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किन्हें मिला था, तो रजनीकांत को मिला था। 2022 में आसफ फरेक को मिला था, और 2023 में अगर आपका रेखा हिंदी को मिला था। शायद यही क्वेश्चन इनमें से कोई क्वेश्चन एक था दादा साहब फाल्के अवार्ड से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम आपका क्वेश्चन पूछा था जिला जज की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गवर्नर या राज्यपाल करता है, सॉरी कौन करता है? गवर्नर, इसी को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। किसके कहने पर करता है? हाई कोर्ट के कहने पर करता है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के ए में ये के तहत किसी भी राज्य के जिला न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श यानी हाई कोर्ट के परामर्श के से ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे। एक व्यक्ति जो राज्य या संघ की सेवा में नहीं है, केवल एक जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने के योग्य होगा। यदि वह कम से कम 7 वर्ष एक वकील या एक अधिवक्ता है और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई है, ऐसे में उनको जिला जज की नियुक्ति कर दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1539 में हुआ था। किन के बीच? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर लिख लेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। 1539 के चौसा युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में है। कहाँ है? बिहार के सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य युद्ध था। यह 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ और उसने स्वयं को फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहनाया। शेर खान ने हुमायूं को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हराया था। अब अगर आपसे कन्नौज का युद्ध पूछे तो किनके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इसके बाद हुमायूं को देश छोड़कर भाग गए थे। ईरान में हुमायूं को सफविद शाह से सहायता प्राप्त हुई। उसने 1555 में दिल्ली में पर पुनः अधिकार कर लिया। अगले वर्ष पुस्तकालय शेरमंडल में दुर्घटना के बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तमिलनाडु का लिंगानुपात क्या है, यानी कि तमिलनाडु सेक्स रेशियो, तो कितना है? 996:1000। ये ऑप्शन अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल आपका राइट था। और चलिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे केरल का पूछे सेक्स रेशियो 1084, पुडुचेरी का उसके बाद सेकंड में आता है, फिर तमिलनाडु का आता है, आंध्र प्रदेश का 992, इस तरह से इसे सबसे ज़्यादा किसका? केरल का ही नेक्स्ट एग्जाम में पूछने का चांस है। नेक्स्ट आपका बास्केटबॉल का साइज कितना होता है, तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसमें 3-4 टाइप का होता है, तो ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा किस टाइप से आपका ऑप्शन था, उसी अनुसार मारिएगा। फीवा द्वारा, किसके द्वारा? FIBA। फीवा द्वारा स्वीकृत 3x3 बास्केटबॉल खेल में उपयोग की जाने वाली गेंद नियमित गेंद से भिन्न होती है। एक 3x3 बास्केटबॉल गेंद का वजन फीवा के आधिकारिक पुरुष के 5x5 खेलों में उपयोग किए जाने वाले आधिकारिक साइज 7 बास्केटबॉल के समान वजन है। बास्केटबॉल जो स्टैंडर्ड होता है, बास्केटबॉल साइज 7 को कहा जाता है। जो साइज 7 में 620 ग्राम होता है, कितने ग्राम का? 620 ग्राम का। इसमें साइज आपका क्या होता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज में लिखूँगा, 29.5 इंच होता है और 75 सेंटीमीटर एलमोस्ट, यानी 74.93 सेंटीमीटर होता है, इसी को हम 75 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। नेक्स्ट पूछा गया था पक्षियों का अध्ययन को क्या करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी या पक्षी विज्ञान कहा जाता है इनको।
किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे वहाँ से हो जाए आपका। एक ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है, तो 9 कैलोरी होता है। कितना कैलोरी, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी। सर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी होता है, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, वसा के प्रत्येक ग्राम में 9 कैलोरी होते हैं। कैलोरी भोजन द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा, जब भोजन पच जाता है और शरीर में अवशोषित हो जाता है। एक भोजन जितनी अधिक कैलोरी प्रदान करता है शरीर को, उतना ही अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा की इकाई क्या है, कैलोरी है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है, तो बिहार है। अंडर 19 महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। भारत की कप्तान कौन थी, शेफाली वर्मा थी। यह कहां हुआ था, किनको हराकर, इंग्लैंड को हराकर, इंग्लैंड को हराकर जीता था। कहां हुआ था, साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ था। यह फर्स्ट एडिशन किसका था, जनवरी में आपका एडिशन हुआ था 2023 में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदर्थ था। वह मौर्य सम्राट का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहदर्थ किया था उसके ही सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की, किसने किया था, पुष्यमित्र सुंग ने की, जिसने सुंग साम्राज्य की स्थापना किया, जिसने सुंग साम्राज्य की स्थापना की। बृहदर्थ सत्य धर्म का उत्तराधिकारी था जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322-21 ईसा पूर्व नंदा राजवंश के धनानंद को हराकर की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अंतिम शासक कौन था, बृहदर्थ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। आर्टिकल 51, अगर आर्टिकल 51 जो कि आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, इंटरनेशनल शांति से रिलेटेड है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट आप चलते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि बताएं 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। बैटल ऑफ चौसा शेरशाह ने हुमायूं को हराया था 25 जून 1539 से हुआ था। ये क्वेश्चन आपका आया था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक आपका है 151। कितनी रैंक है, 151 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। तमिलनाडु सेक्स रेशियो बता दिया, बास्केटबॉल बता दिया, स्टडी ऑफ वर्ल्ड आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आपसे पूछा गया था, तो उसमें किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। अगर आपसे आईसीसी अंडर 19 ना पूछ के आईसीसी वोमेन T20 वर्ल्ड कप पूछते तो कौन किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगर अंडर 19 पूछे तो भारत, अंडर 19 नहीं पूछे ओनली वोमेन T20 वर्ल्ड कप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। एक आपका चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। चंद्रयान 3 में आपका, चंद्रयान 3 कब चंद्रमा पर गया था, 23 अगस्त को चंद्रमा पर गया था। लैंडिंग पॉइंट को क्या बोला गया था, जिसको प्रधान नरेंद्र मोदी ने बताया था, शिव शक्ति पॉइंट, क्या बोला गया था, शिव शक्ति पॉइंट। इसमें जो आपका रोवर था वो कौन था, चंद्रयान में रोवर प्रज्ञान था। लैंडर आपका विक्रम था। एक आपका रॉकेट पूछ सकता है, चंद्रयान का रॉकेट GSLV यानी बाहुबली रॉकेट GSLV MK3।
G20 से क्वेश्चन आया था, G20 2023 का अध्यक्ष किसने किया है भारत में, सॉरी कहाँ हुआ 2023 में, भारत में हुआ जहाँ सबसे ज्यादा बैठक हुई है। दो हजार चौबीस कहाँ होगा, ब्राजील में होगा। अब G20 जो आपका है, G20 बंद हो चुका है, पहले कौन कौन था, 19 देश थे इसमें, एक यूरोपियन यूनियन था। अब G20 बंद में कौन कौन हो गया है, एक आपका अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है, कौन आ गया है, अफ्रीकन यूनियन, जिसका नाम क्या होगा, G20 बंद हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एशियन समिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आसियान समिट जो कि हाल ही में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है, कहाँ हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया, हेडक्वार्टर भी इसका जकार्ता में है। इसमें कितने मेंबर है, 10 मेंबर है, एक मेंबर और जुड़ा गया है तिमोर लिस्टे, जो कि टोटल 11, हाल ही में कौन जुड़ा है, तिमोर लिस्टे ने जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था खतौली युद्ध, खतौली युद्ध किनके बीच हुआ था, 1517 में, मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच हुआ था, मेवाड़ और किसके बीच, दिल्ली सल्तनत के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आया था, उसी में सुधार के लिए आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। नीति आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं। नीति आयोग के वाइस हेड यानी उपाध्यक्ष कौन होते हैं, कौन है अभी, सुमन बैरी जी हैं, सुमन बैरी। सीईओ कौन है, सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेशनल फ्लैग से क्वेश्चन आया था, नेशनल फ्लैग कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई को क्या होना, झंडा दिवस मनाया जाता है। डिजाइन किसने किया था, पिंगली बकैया ने किया था, क्या, पिंगली बकैया ने किया था। तो चलिए हम लोग सारा क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं, जितना क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक दो क्वेश्चन छूट सकता है, इतने क्वेश्चन आपका बच्चों द्वारा भेजा गया था, तो सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार फिर से। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार, और कोई भी डाउट आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किए, बनाने का समय नहीं मिला इसलिए आपको लिख लिख कर बताते चलेंगे। नेक्स्ट से आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूर्वा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन था लार्जेस्ट फाइलम, क्या था प्यारे बच्चों, लार्जेस्ट फाइलम इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आर्थ्रोपोडा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था साइंस में। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड था, क्या, कुचिपुड़ी फोक डांस या डांस लिख देते हैं हम लोग, कुचिपुड़ी डांस जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का, ये इसमें
दो इम्पोर्टेंट रखिएगा जो आपका पूछा गया था, वेम्पति चिन्ना सत्यम जो कि कलाकार हैं यहाँ के, वेम्पति कुचिपुरी डांस के हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम एक यामिनी कृष्णमूर्ति, दोनों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट था आमिर खान किस घराने से ताल्लुक रखते थे, क्या आमिर खान एक्टर आमिर खान नहीं, कौन से जो म्यूजिक से रिलेटेड थे हिंदुस्तान म्यूजिक में जो, तो किस घराने से ताल्लुक रखते थे, तो इंदौर घराने से, एक म्यूजिशियन थे, किस घराने से इंदौर घराने से ताल्लुक रखते थे। नेक्स्ट आपका था भगत सिंह एंड बंटू केशवत दत्त जो आपका बम बिगे थे, भगत सिंह और एक कौन थे आप बंटू केशवत दत्त थे, कितने तारीख को 8 अप्रैल 1929 को, कहाँ सेंट्रल लेजिस्टिव असेंबली में बम फेंका था, किसके खिलाफ फेंका था, किसके लिए, पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटिव बिल के खिलाफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं, सेंसस 2011 के अनुसार एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था दमन एंड दीप, दमन एंड दीप में जो सेक्स रेशियो आपका है, सुबह तमिलनाडु का पूछा गया था, इस बार किसका पूछा गया है दमन एंड दीप का, कितना 618 फीमेल पे 1000 मेल हैं वहाँ, और पॉपुलेशन वहाँ का कितना है, भारत का 0.02% है पॉपुलेशन। फिर लिटरेसी यानी साक्षरता दर वहाँ का है 87.1%, यहाँ का साक्षरता दर है दमन एंड दीप का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, इनको हाल ही में, द्रौपदी मुर्मू जी को हाल ही में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सूरीनेम, कहाँ का सूरी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, इससे एक क्वेश्चन था। और अगर पूछ दे नेक्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन है, जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, कौन है चंद्रिका प्रसाद संतोखी वहाँ का राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस, कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजन हुआ, इंदौर में आयोजित हुआ, और इसका चीफ गेस्ट कौन थे, मोहम्मद इरफान अली जो कि कहाँ के प्रेसिडेंट है, गुआना के प्रेसिडेंट है, रिपब्लिक ऑफ गुआना के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद इरफान अली जो कि इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 को मनाया गया था, उनमें चीफ गेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका था टीवी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो ये कब 15 सितंबर 1959 को। नेक्स्ट प्रश्न आपका था हॉकी वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड, क्या हॉकी वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड, तो कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, कहाँ हुआ था, उड़ीसा में आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर और राउरकेला में, भुवनेश्वर के कलिंगा मैदान में, राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट आपका पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड पूछा गया था, तब पद्म विभूषण कितने को दिया गया है 2023 में, पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को, 6 व्यक्ति को दिया गया है, पद्म भूषण कितने को दिया गया है, 9 व्यक्ति को, और पद्मश्री 91 व्यक्ति को दिया गया, टोटल कितने व्यक्ति को दिया गया है पद्मश्री अवार्ड, 106 व्यक्ति को। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग G20 से, एक बार फिर से क्वेश्चन देखने को मिला था फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी, तो G20 में कितने हैं, 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन था, अब एक अफ्रीकन यूनियन आ गया, तो कि G20 बन चुका है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग G20 2023 का अध्यक्ष कौन थे, इंडिया, 2024 को कौन है, ब्राजील। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलेंगे वुमेन प्रीमियर लीग 2023 के विजेता कौन है,
वोमेन यानी WPL IPL जिस तरह से होता है उसी तरह से WPL यानी वोमेन प्रीमियर लीग जिसका फर्स्ट डिवीजन था, जो कि कौन जीता था, विजेता कौन था, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, RCB के कप्तान, कहाँ के RCB के कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन। तो ये डायमेंशन लेस होता है यानी नो यूनिट इसका होता था, इसका क्या सही आंसर होता है आपका ML0 L0 T0। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, तो वोल्ट पर मीटर आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट से यूनिट पूछा गया था, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। यही सब इतना सारा क्वेश्चन आया था, एक बार मैं सब को रिकॉल कर लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए डांस से रिलेटेड आ रहा है, तो कितने डांस है, कथक, उड़ीसी, कुचिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ये सबको ध्यान कर लीजिएगा एक बार फिर से आप लोग। और कोई भी डाउट होता कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन PDF के द्वारा आपको मिल जाएगा, जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं देखें PDF के द्वारा वो बनाया गया था, तो वो जाके आप लोग सभी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज में। फिर से एक बार मैंने थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस लेके आ गया है, 1x1 सारे क्वेश्चन को देखेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन को 9 अक्टूबर जो कि थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, जो कि इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर था। इसमें हम लोग ओनली GK GS डिस्कस करते हैं, जो कि आपका 50 क्वेश्चन का पूछा जाता है। जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो नहीं देखे वो एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है और उससे जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए चंद्रयान 3 एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रही है। SSC सिविल वाले फर्स्ट पेपर में भी चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आया था, और जब इलेक्ट्रिकल थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ उसमें भी चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले हम लोग चंद्रयान को डिस्कस कर लेते हैं पूरा, जितना इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कल अगर आपका एग्जाम है और चंद्रयान 3 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाता तो आपका एक नंबर कन्फर्म हो जाए। तो देखिएगा चंद्रयान 3 अभियान जो आपका 23 अगस्त 2023 को, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में यानी सिविल वालों को यही क्वेश्चन पूछा था कि कब पहुंचा चंद्रमा पर, तो 23 अगस्त 2023 को 6:04 PM में शाम में पहुंचा था चंद्रयान 3। और इसमें जो लैंडर था आपका क्या था, विक्रम लैंडर था, लैंडर इसमें क्या था, विक्रम था। रोवर क्या था, प्रज्ञान था, ये सभी जानते होंगे। रोवर क्या था, प्रज्ञान था, यहाँ तक सभी को क्लियर, ये सभी लोग जानते हैं। अब पूछते अगर आपसे रॉकेट, तो रॉकेट इसमें कौन सा था, LVM3M4, जिसको बाहुबली रॉकेट का नाम भी दिया गया। लॉन्च कब हुआ था, यही अगर आपसे पूछे चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। अब पहुंचा कब था, तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। लॉन्च कब हुआ था, 14 जुलाई 2:35 दोपहर। कुल लागत इसमें कितना लगा, 615 करोड़ रुपये, जो कि स्टेनोग्राफर का SSC का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। कुल लागत इसमें कितना, 615 करोड़ रुपये है। अब अगर आपसे पूछे इसरो के बारे में कुछ यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। अगर पूछते अगर इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बंगलुरु में है।
कहाँ है? बंगलुरु में है। वर्तमान में हेड कौन है इसके? एस सोमनाथ जी हैं। लॉन्चिंग स्टेशन कौन है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रयान है। ये अगर आपसे पूछे चंद्रयान वन कब लॉन्च हुआ था, ये इसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग याद रखिए चंद्रयान थ्री से ही पूछे चंद्रयान वन कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था, जो कि सफल प्रक्षेपण था। ऑर्बिटर मिशन ये था, रॉकेट इसमें PSLV C-11 था। वही अगर चंद्रयान टू का उपयोग, इसमें ऑर्बिटर का उपयोग किया गया था जो कि फेल हो गया था, लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। चंद्रयान टू कब लॉन्च होता है? 22 जुलाई 2019 को GSLV-MK3 M1 से। चंद्रयान थ्री में कुछ इम्पोर्टेंट भाग है, S-202 रॉकेट बूस्टर इसमें है, L-100 लिक्विड फ्यूल विकास इंजन इसमें, लैंडर और रोवर दोनों हैं, क्रायोजेनिक फ्यूल कौन है? C-25। यहाँ तक चंद्रयान थ्री का कुछ खुद जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो डिस्कस कर लिए। अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था वहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला था नबार्ड से। नबार्ड कौन से साल इस्टेब्लिश किया गया था? तो नबार्ड आपका 1982 को, कब? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नबार्ड की स्थापना हुई थी। आर्टिकल से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। तो जाकर एक बार फिर से आर्टिकल 51 पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। या अंतर्राष्ट्रीय शांति या कि इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51 क्या है? इंटरनेशनल पीस। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आर्टिकल 44, जो कि इसे पिछले वाले शिफ्ट में पूछा था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में है, कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। आर्टिकल 51A, ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 51A तो क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग चार का ए में है। अब आपसे पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, समर ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? 2024 का जो आयोजन आपका होगा पेरिस में। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था, सभी बच्चे इसका आंसर जानते थे। पेरिस में कहाँ होगा? पेरिस में 33वां यह होगा। कब से कब तक होगा प्यारे बच्चों? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चलेगा। क्या समर ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? पेरिस में आयोजित होगा। कब से कब तक चलेगा? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। कौन सा एडिशन होगा? 33वां एडिशन होगा। नेक्स्ट चलेंगे, एक आपसे पूछा गया था जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये तीनों शिफ्ट में लगभग द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सब एक दूसरे के लिए रिलेटेड ही था। जो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कौन से प्रेसिडेंट से मिले हैं? तो कहाँ के प्रेसिडेंट से? सूरीनेम के प्रेसिडेंट से मिले हैं। सूरीनेम के प्रेसिडेंट जी का नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद, जो कि एक इंडियन ही है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी बिहार के रहने वाले थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? सूरीनेम के हैं। सूरीनेम के सबसे बड़ा सम्मान किन्हें मिला है? द्रौपदी मुर्मू को मिला है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कथक, नेक्स्ट आपका बिरजू महाराज से रिलेटेड था। कथक कहाँ का डांस है? तो यूपी या उत्तर प्रदेश का। कथक है कथक डांस। बिरजू महाराज किस डांस के लिए फेमस थे? तो कथक के लिए। अब बिरजू महाराज का नाम क्या था ओरिजिनल? बिरज मोहन मिश्रा, जो कि लखनऊ घराना से रिलेटेड थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, फंडामेंटल राइट USA क्या? नेक्स्ट आपका पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? USA से लिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था
ये तो हो गया फंडामेंटल राइट, कहाँ से यूएसए से। एक अगर आपसे पूछे अगर फंडामेंटल ड्यूटी कंफ्यूजन आपका रहता है, जब आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहे तो ये सोवियत संघ या रूस, कहाँ से सोवियत संघ से या रूस से लिया गया था। 42वां संविधान संशोधन था क्या, सोवियत संघ से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज। 42वां संविधान संशोधन 1976 का, यहाँ पर लिख लीजिएगा 1976, जो कि रूस से लिया गया था। ये फंडामेंटल राइट कहाँ से, यूएसए से लिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था, जिसमें कि राइट टू एडुकेशन यानी कि 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य दिए थे। 11वां कब आया था, फंडामेंटल ड्यूटीज, शॉर्टकट में लिख देते हैं FD, मौलिक कर्तव्य 11वां कब जोड़ा गया था 2002 में, राइट टू एडुकेशन से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एडुकेशन निश्चितदारी करने के लिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ये पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, लैंड जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहीं से डिस्कस कर देता हूँ एक दो प्रश्न को, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपका। लैंड रिफॉर्म विच शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा शेड्यूल, 9th शेड्यूल में। बिरजू महाराज किस नीति से संबंध रखते थे, तो बिरजू महाराज का पूरा नाम बिरज मोहन मिश्रा, जो कि लखनऊ घराना से थे, ये कथक डांस से संबंध रखते थे। लच्छू महाराज हो गए, बिरजू महाराज सब कथक से। समर ओलंपिक पेरिस बता दिया मैं, नवाड भी बता दिया 1982। देखिए क्रिकेट बैट्समैन नॉट एबल टू प्ले पिच बॉल, तो कौन से बॉल, वाइट बॉल को एबल नहीं है प्ले करने के लिए। फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। यहाँ तक सभी को क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा था वेल्थिस्ट स्टेट या सबसे धनी राज्य कौन है, तो सबसे धनी राज्य आपका है महाराष्ट्र, क्या राइट आंसर, महाराष्ट्र आपका सबसे धनी राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था राइनो वायरस का अल्टरनेटिव नाम क्या है, राइनो वायरस का अल्टरनेटिव नाम क्या है बच्चों, पिकोनो वायरस। राइनो वायरस का अल्टरनेटिव नाम पिकनो वायरस। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था बिशोप, जो बिशोप भिच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट से रिलेटेड बिशोप है, सॉरी बिशोप, तो बिशोप आपका चेस की शब्दावली है, चेस खेल की शब्दावली है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ये भी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसमें जो आपका पूछा गया था थोड़ा घुमा दिया था, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है भिच आर्टिकल किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो 233 से 237 के बीच, 233 से 237 के बीच सब ऑर्डिनरी कोर्ट आते हैं, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट एक सेशन कोर्ट होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग सेंसस 2011, सेंसस हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोग देखते चलिएगा। मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, यूपी में है, दो में कहाँ, दो में महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे आपका बिहार है। नेक्स्ट देखिएगा पद्म भूषण से एक सवाल था, जिसका कि सही राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सुदर्शन साहू, जो कि उड़ीसा के रहने वाले थे। नेक्स्ट आपका बिरजू महाराज, सत्रिया डांस किस राज्य से है, क्या पूछा था, सत्रिया डांस तो ये असम से है, सत्रिया डांस किस राज्य,
से संबंधित है, असम से, जो कि 15वीं शताब्दी में शंकरदेव, जिनको वैष्णव संत भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका था सोडियम लैंप। स्टार्टिंग लाइट, जो स्टार्ट में लाइट देता है वो किस कलर का देता है, तो किस कलर का, डीम रेड या फिर पिंक कलर का देता है। तो यहाँ पर हमने जितने सारे आपने क्वेश्चन भेजा था सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट एग्जाम जब देने जाइएगा तो अच्छे से दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पेज बाई पेज। और आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा।